अक्सर हमारी नानी दादी इस तरह से मसाले बहुत सारे घर में ही पीसती होंगी, और हम अक्सर सोचते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी है, बाज़ार में इतने सारे पैकेट्स हर मसाले के मिलते तो हैं, लेकिन क्या वो सही में मसाले हैं या वो फेक हैं? हम इस चीज़ में अक्सर अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का मसाला सबसे अच्छा है। मैं बताती हूँ, आज उसी कंपनी का नाम, वो कंपनी है आपकी रसोई। आपकी रसोई में ही हम बहुत सारे मसाले पीस सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हम सभी मसाले पीस सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मुश्किल, जो कि मुझे लगता था कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊँगी, हल्दी की। हम सूखी हल्दी को देख के सोचते हैं कि यार इसको तो घर में पीसना मतलब नामुमकिन है। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स कि आप घर में किस तरह से अपने मसाले पीस सकते हैं और हर मसाले को घर में पीसने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, और आप मिलकर इन प्लास्टिक के पैकेट्स का नहीं, आपकी हेल्थ को बेटर करने का भी उपाय निकालेंगे। सबसे पहले आए हल्दी। हल्दी मैंने सबसे पहले इसीलिए चुनी क्योंकि मैं हल्दी को बहुत ज़्यादा मुश्किल मानती थी कि मैं इसको घर में कभी नहीं पीस पाऊंगी। विश्वास कीजिए, ये वीडियो मैंने पिछले साल भी बनाई थी लेकिन मैंने पोस्ट नहीं की। कारण सिंपल सा यही था, क्योंकि मैं हल्दी को अच्छे से पीस नहीं पाई थी। मतलब हल्दी को सुखाने के बाद वो कुछ इस तरह की दिख रही थी, और जब उसको मैंने पीसा तो उसका रंग कुछ इस तरह का आया, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई। और मैं इस चीज़ को दोबारा से ट्राई करना चाहती थी, और उस समय हल्दी का मौसम ख़त्म हो चुका था। सर्दियों में ही केवल हमारे पास हल्दी आती है, तो मैं हल्दी को किस तरह से गलत तरीके से पीसते और किस तरह से सही तरीके से पीसते, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। आप जब भी ताज़ी हल्दी लेके आइए, तो जब भी आप उसको सुखाने का सोचने वाले हैं, तो उससे पहले ज़रूर वेदर फोरकास्ट देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले यही गलती की थी। जिस दिन मैंने हल्दी कद्दूकस करके सुखाई, उससे अगले दिन बारिश शुरू हो गई और मेरी हल्दी अच्छे से सूख नहीं पाई। हल्दी को सूखने के लिए धूप थोड़ी चाहिए। अगर आप बिना धूप के सुखाएंगे तो हल्दी का रंग जो है वो इस तरह का आएगा। पता नहीं क्यों ये शायद ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है बहुत जल्दी, और इसीलिए इसका रंग उतना अच्छा आ नहीं पाता है। दूसरी तरफ अगर आप हल्दी को इस तरह से साबुत सुखाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, उसमें उल्ली लग जाएगी और उसको आप घर पर नहीं पीस पाएंगे। फिर आपको चक्की पर जाके उसको पिसवाना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन, जिसका क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती, ये जो मैंने तरीका देखा था वो रानी इंस्टाग्राम चैनल जो है, जहाँ पे वीना जी ने शेयर किया था कि आप हल्दी को इस तरह से छोटे छोटे बारीक लंबे लंबे टुकड़ों में काट लीजिए और उसके बाद इसको सुखाइए, इससे इसका रंग बहुत अच्छा आएगा। मैंने इसको कद्दूकस करके सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम ये आई कि उसका जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं था। लंबा लंबा काट के भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका रंग बहुत अच्छा आता है। या तो कड़क धूप हो कि वो एक दो दिन में ही सूख जाए और ऑक्सीडाइज ना होने पाए, या फिर आप इसको इस तरह से लंबा लंबा करके सुखाइए, तो ऑक्सीडाइजेशन जो प्रोसेस है इसका स्लो होगा और आपको रंग बहुत अच्छा मिलेगा। पर धूप दोनों केसेस में ज़रूरी है। थोड़ा सा देर आप भी धूप में बैठ जाइएगा, विश्वास कीजिए आप पूरे के पूरे चार्ज हो जाएंगे। धूप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे खाने में भी अगर ये आ जाए तो चार चांद लग जाते हैं। तो इस हल्दी को यूज़ करने के बाद मैं बहुत सारी सब्जियां बना सकती थी, लेकिन ये मैंने पनीर की सब्जी ही खास तौर पे चुनी आपको दिखाने के लिए। उसका कारण सिंपल सा ये था, ग्रेवी वाली जो इस तरह की सब्जियां होती है ना, इसमें जो हल्दी का रंग होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रंग आया है। इसको आप सिंपल, जब इस तरह से ये सूख जाए तो आप इसको मिक्सी में डालिए और ये आराम से पिस जाएगी। हाँ, उतनी पाउडरी फॉर्म में नहीं होगी जिस तरह से कमर्शियल हल्दी होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि आपकी ये घर की बनी हुई चीज़ है, तो आप इसको बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, इसके छोटे छोटे ये जो दाने दिख रहे हैं सब्जी में बिल्कुल महसूस नहीं होंगे। अगर हल्दी पिस गई तो फिर लाल मिर्ची या फिर धनिया और दूसरे मसाले वो आप आराम से घर में पीस सकते हैं। बस उनको हल्का सा धूप लगवाइए और उसके बाद उसको घर में पीसिए। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। बस हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, और टाइम इसमें उससे भी कम लगता है जितना टाइम आप बाज़ार में जाके उन मसालों को लेके आते हैं। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि शुद्धता की 100% गारंटी। काला नमक,
काला नमक जब हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो वो अक्सर इस तरह का पिंक कलर का दिखता है, जो कि पता नहीं कैसे काला नमक है। काला नमक प्राकृतिक रूप में इस तरह का दिखता है। अगर इसको आप अगर सीधा मिक्सी में डालेंगे तो ये आपके मिक्सी के ब्लेड तोड़ देगा। तो अगर आपके पास इस तरह का छोटा या बड़ा किसी भी तरह का मूसली है या फिर सिलबट्टा है, आप उसके ऊपर इसके छोटे छोटे पीसेस तोड़ लीजिए। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, या काम आराम से 5 मिनट में हो जाता है, विश्वास कीजिए। और अगर आप उसको दोरी सोटे या फिर मूसली से करने लगे हैं, तो मूसली अगर लकड़ी की है तो मत यूज़ कीजिएगा। मैंने इसके ऊपर ये मेटल की मूसली यूज़ की थी। उसके बाद जब ये छोटे छोटे तरह के टुकड़ों में कट जाए, तो उसके बाद आप इसको अपनी मिक्सी में डाल के आराम से पीस सकते हैं। आपको इस तरह का काला नमक मिलेगा। आगे से याद रखिएगा, सही काला नमक यही होता है। ये पिंक वाला जो नमक है ना, ये काला नमक नहीं होता है। गरम मसाला, भारत में जितने घर हैं उतनी रेसिपीज गरम मसाले की हैं। कोई गरम मसाले में जीरा ज़्यादा यूज़ करता है, तो कोई काली मिर्च ज़्यादा यूज़ करता है। गरम मसाला वही सबसे अच्छा है जो आपका पारंपरिक रेसिपी है, जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, जिस तरह से आप उसको बनाते हैं। तो हम लोग अक्सर ये सोचते हैं, यार इतना झंझट कौन करे, बाहर से ही ले आते हैं ना, बात खत्म। बाहर से हम लोग सिर्फ बीमारियां ही लेके आते हैं। सबसे अच्छा ब्रांड जो किसी भी फूड प्रोडक्ट या किसी भी मसाले का हो सकता है, वो है आपकी रसोई। ये ब्रांड का नाम ज़रूर याद रखिएगा, आपकी रसोई। रसोई मतलब आपके घर में ही जो सब चीज़ें हैं, आप उसे ही किस तरह से धूप लगवा के मिक्सी में पीस के अपने खुद के मसाले बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से पारंपरिक तौर पे अभी भी मूसली में बनाते हैं, तो आपको शत शत नमन। वो सबसे अच्छा तरीका है, पर हम जैसे आलसी लोग शॉर्टकट चाहते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट शॉर्टकट यही है कि आप साबुत चीज़ें लेके आइए और उसको घर में ही पीसिए। खास मसाले, हम लोग अक्सर कई बार खास मसाले यूज़ करते हैं, जैसे कि सांबर मसाला या छोले मसाला। आपको इन सभी मसालों की रेसिपीज़ ऑनलाइन मिल जाएगी। मैं आपको एक बार प्लीज़ स्ट्रांगली ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये मसालों को भी आप घर में पीस के देखिएगा, सच में ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। आप कभी भी बाज़ार वाला मसाला नहीं खरीदेंगे। मेरे को सांभर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सांभर मसाला घर में बनाया। रेसिपी का लिंक नीचे मैं आपको दे दूंगी, मम्मी पापा किचन चैनल, ये उसकी रेसिपी है। और विश्वास कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। और इस तरह से जब आप घर के मसाले पीसते हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ अलग ही निकलता है। किसी भी चीज़ को DIY करने से पहले उसका प्रेरणा स्रोत तो यही होता है कि मुझे ये प्लास्टिक का डब्बा कम करना है, और उसके रिजल्ट में मुझे हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आप भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका प्रेरणा स्रोत तो क्या है, कि आपको ये प्लास्टिक का डब्बा कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी बात मानिए, ये डब्बे को कम करने की पूरी भरसक कोशिश कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि मुझे रिजल्ट में इतनी अच्छी चीज़ें मिली। धन्यवाद।